नमस्कार सुरेश भाई जी। हाँ जी नमस्कार। फर्म का नाम बताएं। फर्म के C3 नंबर है। अच्छा C3 नंबर है। हाँ तो मतलब आपने पिछली जो पिछली बार आप थे वो छोड़ दिया है आपने? छोड़ दिया था। अब दूसरी फर्म पर आ गए। आ गए। तो किसान भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहना चाहेंगे ना। हाँ बताओ कुछ। कहीं अभी कोई दागी सी आ रही है प्याज, इसमें क्या है कोई? नहीं। हाँ। अपनी फर्म जैसे आप पिछली बार खुराना पर लेकर आए थे और अब बतरा जो आप चेंज किया है आपने, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। आदमी ठीक है, पैसे वैसे नगद के प्रोग्राम है अपने पास। अच्छा तो आपके किसान पुराना फर्म पे आवे या बत्रा फर्म पे? बत्रा फर्म पे आएंगे सुरेश तो वो बताए ना आप। सानू, वो बताए। सानू भाई का नंबर है उसमें कार्ड के अंदर। बत्रा के जो नंबर है इस पर संपर्क करके आवे। और आपके जो किसान भाई है वो खुराना पे नहीं जावे, हाँ, और बत्रा फर्म पे आवे। बत्रा फर्म पे आए, सुरेश भाई से नंबर मिला के आवे। तो सुरेश भाई अब की बार जो क्या लगता है प्याज के भाव क्या रहने की संभावना? बढ़िया रहेगा साहब, अभी तो रोग वाली आ रही है जी, अभी कोई भाव नहीं है। ये ऊंचा में 800 850 तो बढ़िया माल बिका है। आज का रेट है आज का 850 तक? अच्छा, और मुझे लगता है अब की बार 50 रुपए छू जाएगा आसमान। देखो है तो अनुमान तो है जी। पिछली बार आपने कहा था लगभग, क्योंकि पिछली बार जलेबी रोग की वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई थी, अब की बार तो संभावना बन रही है पूरी। अभी भी रोग वाली आ रही है ना? नहीं शुरुआत में तो रोग की आ रही है, पर प्याज की प्याज की कंडीशन है जो फील्ड में हम भी गए हैं, अच्छी कंडीशन है अब की बार, रोग बहुत कम आने की संभावना पूरी है। हाँ सुरेश जी, आज आवक की बात करें तो आज अलवर की मंडी में आवक कितने थी? 600 कट्टे थे। 600 से ऊपर ही होंगे कम। तो आवक दिन प्रतिदिन बढ़ रही है या बढ़ी रही है? स्थिर है, बढ़ेगी। नई प्याज मंडी है उसको कब तक शुरू कर रहे हैं? वो तो जब जाए अब थोड़ा ज्यादा आने लग जाएगी उसमें चले जाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है साहब। तो हाँ तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे कुछ? भाई दीपावली की हार्दिक बधाई है और अपना माल बना के बढ़िया लावे, आगे चल के जो है पैसा मिलने की संभावना है किसानों को। अच्छा, सुखा के लाएं। हाँ सुखा के लाएं, अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा भाव। धन्यवाद जी सर। ठीक है साहब।